मोदी बोले G20 समिट संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ, आतंकवाद की परिभाषा को लेकर सहमति न बन पाना दुखद। कनाडा के स्पीकर नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में नवे G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। इसकी थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद रखी गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, P20 समिट उस भारत भूमि पर उड़ गई है जो मदद ऑफ डेमोक्रेसी है। यह समिट एक प्रकार से दुनिया भर की संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है। कार्यक्रम में 25 देशों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और G20 सदस्य देशों के 10 डिप्टी स्पीकर शामिल हुए। हालांकि खालिस्तान विवाद के बीच कनाडा के स्पीकर रेमोंडे गेंगे कार्यक्रम में नहीं आई। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद को लेकर हम सभी को सख्ती बरतनी होगी। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आम सहमति न बन पाना बहुत दुखद है। आज भी UN इसका इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर के प्रतिनिधियों को सोचना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ हम कैसे काम कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को निशाना बनाया था। उस समय संसद का सत्र चल रहा था और आतंकवादियों की मंशा सांसदों को खत्म करने की थी। दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि आतंकवाद दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। आतंकवाद जहां भी होता है, किसी भी कारण किसी भी रूप में होता है, वह मानवता के विरुद्ध होता है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।